अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो फ्रेंड्स, आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फेस एंड नेक वाइटनिंग लोशन का फार्मूला लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, हैंड फीट वाइटनिंग फार्मूले मैंने बहुत सारे आपसे शेयर किए हैं, बट आज मैं फेस की वाइटनिंग के लिए आपसे एक ऐसा लोशन फार्मूला शेयर करने जा रही हूँ जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हर कोई इसको इजीली यूज़ कर सकता है। नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, सेंसिटिव स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही पावरफुल फार्मूला है, आपके फेस को वाइट करेगा और आपकी नेक को वाइट करेगा। क्योंकि जो भी हैंड फिट के लिए हम क्रीम्स फार्मूले आपसे शेयर करते हैं, उनको आप अपने फेस और नेक की वाइटनिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बट ये जो फार्मूला आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, ये आपके फेस और नेक के लिए बेसिकली मैंने तैयार किया है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो जो लोग अपने फेस को गोरा करना चाहते हैं और ऐसी क्रीम उससे पूछते हैं जिसका कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, तो ये वीडियो उनके लिए स्पेशली तौर पर बनाई गई है। तो ये फार्मूला वो लोग यूज़ करें, उनको किसी भी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और कलर भी बहुत जल्द ही फेयर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपके सामने हैं। फ्रेंड्स, मुझे चाहिए निविया का वाइटनिंग लोशन। कोई सा भी आप वाइटनिंग लोशन ले सकते हैं जो सबसे बेस्ट हो, बट मुझे निविया का वाइटनिंग लोशन ही सबसे बेस्ट लगा है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये एक नेचुरल फेयरनेस बॉडी लोशन है जिसको आप फेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये यूवी फिल्टर का काम करता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को इवन टोन में लेके आता है। प्लस इसके अंदर विटामिन सी का रिच फार्मूला शामिल है और ये आपकी स्किन को मॉइस्चर भी करता है और ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, यानी कि ये आपकी स्किन को सन डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये बेस्ट लोशन है फेस के लिए, आप इसको फेस के लिए भी ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर फेस पर यूज़ करते हैं तो इसका कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि मैं इसको पर्सनली अपने फेस पर यूज़ कर चुकी हूँ, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ मेरे फेस को, क्योंकि मेरी स्किन भी सेंसिटिव है, बट मुझे किसी भी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। सो फ्रेंड्स, आपने ये एक पूरी बोतल लेनी है। सो फ्रेंड्स, अब आपने इसको वाइटनिंग लोशन में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। फ्रेंड्स, आप ये निविया लोशन की एक पूरी बोतल लेंगे और जो नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर जाएगी वो जाएगी ये स्किन ए क्रीम। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से ईजीली मिल जाएगी। इसके अंदर ट्रिटिनोइन का रिच फार्मूला शामिल है। ट्रिटिनोइन क्या करता है फ्रेंड्स, ये आपकी जो डेड स्किन होती है ये इसको रिमूव करता है और आपकी स्किन के टेक्सचर को ये थिक बनाता है और आपकी स्किन के नीचे जो सीबम है ये उसको भी बैलेंस करता है। ट्रिटिनोइन के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, आपकी स्किन के जितने भी दाग धब्बे होंगे वो भी इसके साथ दूर होंगे, आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा, स्किन को ये लाइटन अप करेगा। अगर फ्रैकल्स या पिगमेंटेशन आपकी स्किन पर बन रही है तो ये उसको भी रिमूव करेगा, स्किन को दाग धब्बों से साफ करेगा, क्लियर करेगा आपके कॉम्प्लेक्शन को बहुत ज़्यादा। तो ये एक पूरी ट्यूब इस पूरी बोतल के अंदर आप लोग ऐड करेंगे। और जो नेक्स्ट है वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे योको वाइटनिंग क्रीम। ये भी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से या कॉस्मेटिक शॉप से इजीली मिल जाएगी, 250 के अराउंड आपको ये मिल जाएगी। स्किन ए क्रीम आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से 100 की मिल जाएगी। और जो नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर जाएगी वो जाएगी योको वाइटनिंग क्रीम। ये भी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से या कॉस्मेटिक शॉप से इजीली मिल जाएगी और ये भी 150 या 200 के अराउंड में आपको इजीली मिल जाएगी। तो ये जो क्रीम है ये भी आपने इसके अंदर फुल ऐड कर देनी है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे वाइटनिंग कैप्सूल्स। 10 वाइटनिंग कैप्सूल्स आपने इस बोतल के अंदर ऐड करने हैं, चाहे तो आप 15 भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको 10 कैप्सूल्स ही रेकमेंड करूँगी कि आप लोग 10 कैप्सूल्स इसके अंदर ऐड कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं तो आपका एक वाइटनिंग लोशन फेस के लिए तैयार हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। दोबारा से रिपीट कर दूँ कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने एक बाउल में योको वाइटनिंग क्रीम को लेना है और इसको अच्छे से मैश कर लेना है। उसके बाद आप इसके अंदर ऐड करेंगे स्किन ए क्रीम और वाइटनिंग कैप्सूल्स, इनको आपने अच्छे से मिलाना है। और अगर आप चाहें तो जो योको वाइटनिंग क्रीम है ये आप दो भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो आपने इन चीज़ों को अच्छे से मिलाना है। मिला लेने के बाद आपने जो वाइटनिंग लोशन है निविया का, आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है। फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद आपने किसी भी एयर टाइट जार में डालकर आपने इसको स्टोर कर लेना है। फ्रेंड्स, 15 डेज़ का आपका ये लोशन बनेगा। फ्रेंड्स, इस लोशन को बनाकर आप अपने फेस और नेक पर लगाइएगा। रात को सोने से पहले आपने अपने फेस पर लगाना है और उसको नेक पर लगा कर आपने हल्का सा मसाज करना है ताकि स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए। फ्रेंड, जिस तरह के हम लोशन को लगाते हैं इसी तरीके से आपने इसको भी लगाना है। फ्रेंड्स, बिलीव मी,
1 वीक के अंदर आपको इसके बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। फ्रेंड्स आपको तीसरे दिन ही इसका बहुत अच्छा विजिबल रिजल्ट देखने को मिलेगा, बट 1 वीक के अंदर आपको इसके जो बेस्ट रिजल्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। फ्रेंड्स 1 वीक के बाद आप इस लोशन को रेगुलरली यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आपने इसको 3 टाइम इन अ वीक यूज़ करना है। फ्रेंड्स ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा क्योंकि इसके अंदर हमने ट्रिटिनोइन ऐड किया है, तो इसलिए आप इसको रेगुलरली यूज़ नहीं करेंगे। 2x a week या विद या 3 टाइम इन अ वीक यूज़ कर सकते हैं। जितना आपको कॉम्प्लेक्शन फेयर चाहिए तो आप उस हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ही बेस्ट लोशन आपकी स्किन के लिए रहेगा। फ्रेंड्स इस वाइटनिंग लोशन को यूज़ करने के बाद आपको किसी भी किस्म की वाइटनिंग क्रीम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसी लोशन को यूज़ करेंगे। इसके साथ आपने किसी भी तरह के फार्मूला क्रीम अपने फेस के लिए यूज़ नहीं करनी, बट फेयर एंड लवली क्रीम या कोई भी फेयरनेस क्रीम जो अच्छी है आप वो यूज़ कर सकते हैं। कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप डे में यूज़ कर सकते हैं, सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, बट कोई भी वाइटनिंग क्रीम आपने इस फार्मूला लोशन के साथ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। होप सो फ्रेंड्स आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोस में आपको इस तरह के और फार्मूले मिल सके और वाइटनिंग क्रीम्स में आप लोग से शेयर कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।